हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमें आयशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही मज़ेदार व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जो कि है ईद शॉपिंग व्लॉग। आज हम इस्लामाबाद जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने, क्योंकि ईद में सिर्फ रह गए हैं 2 दिन। सो हमने ईद के ड्रेसेस लेने थे मेरा और मम्मा का। सो हम अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद ऐसे ही शॉपिंग व्लॉग्स बनाऊँ आपके लिए, तो मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो चलिए अब व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं जिना सुपर, जो कि लोकेटेड है F7 इस्लामाबाद में। अगर आप लोग इंडिया इस्लामाबाद में रहते हैं तो ज़रूर एक बार विज़िट करिएगा, बहुत ही अच्छा मार्केट है ये। सो चलिए अब हम गाड़ी की पार्किंग ढूंढते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं और शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं, जिसपे आपको कुर्ते, शर्ट्स, एम्ब्रॉयडरी वाले, फॉर्मल, कैजुअल, हर तरह की शर्ट्स कुर्ते अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर ट्राउज़र्स भी आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। जैसे कि आप ये ब्लैक ड्रेस देख रहे हैं, ये 1500 का कुर्ता दे रहे थे, एंड ये जो ब्लू वाला है ये भी 1600 का था। इस तरह ही डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज़ हैं, 1600, 1500, 1200, इस तरह के प्राइजेज हैं। तो बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ शर्ट्स थी, तो मैं यहाँ कुर्ता देख रही थी अपने लिए। सो ये तो मुझे नहीं पसंद आया, अब हम आगे चलते हैं और आगे जाकर देखते हैं कुछ और। साथ ही ये नेक्स्ट स्टॉल था, जिसके पास बहुत ही प्यारी ज्वेलरी थी, गोल्ड और सिल्वर में कुछ ब्रेसलेट्स थे, पेंडेंट्स थे, रिंग्स थी, और बहुत ही प्यारी प्यारी एलिगेंट से ज्वेलरी थी इनके पास। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये ख़राब नहीं होती जल्दी से। इनकी प्राइसेस थोड़ी हाई होती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी इनकी बहुत ही अच्छी होती है ज्वेलरी की। सो इसके बाद हमने ये कुर्ते देखे, जिनकी प्राइस थी 1800, और इसमें ये एक कलर था ब्राउन और वाइट में, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क था इसके ऊपर। इसका एक ये कलर था मेहरून में वाइट के साथ, और एक ब्लैक में था वाइट के साथ। ये बहुत ही प्यारे थे ड्रेस कुर्ते। और इसके बाद इन्होंने हमें और भी डिज़ाइंस और कलर्स दिखाया, उसके साथ ही ये एक खुस्से का स्टॉल था। इस पर हर तरह के आपको हर कलर के खुस्से मिल जाएंगे, आप यहाँ से कुर्ती लें कोई भी, और उसके साथ कोई भी प्यारा सा खुसा या कोई भी शूज़ आप मैच करें, स्लाइड ऑन्स मैच करें, और आपका ईद का ड्रेस रेडी हो जाएगा। एक ग्रीन शर्ट भी हमने देखी थी, ये भी ठीक थी, और एक ब्लैक भी देखी थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, और इसके प्राइस थे 1500 आई गेस। और ये और हमें कुर्तीज़ दिखा रहे हैं। उसके बाद हम एक और स्टॉल पर गए, जिसके पास ये ड्रेसेस थे, ये लॉन स्टफ पे एम्ब्रॉयडरी थी, ब्लॉक प्रिंट था इनके पास, बहुत ही प्यारे प्यारे रीज़नेबल प्राइस में कुर्ते अवेलेबल थे। इनके प्राइस 1800 थी, और कुछ की 1600 थी, और कुछ की 1500 थी। सो जैसे कि आप रेड वाला देख सकते हैं, इसमें मिरर वर्क था लॉन पे, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर डिज़ाइंस
अवेलेबल थे इनके पास, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसमें से ये जो ब्लैक वन है ये हमने बाय किया था मम्मा के लिए, ये हमें बहुत ही प्यारा लगा था लॉन्ग स्टफ में। और ये जो ब्लू है ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था अपने लिए, बट मैंने लिया नहीं। शायद मैं ले लूँ ये वाला ड्रेस अपने लिए, बट अभी श्योर नहीं हूँ। सो ये वाला मेरी मम्मा को बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने अपने लिए बाय किया है। और उसके साथ फिर हमने मैचिंग में ट्राउज़र लिया, उसी के साथ एक स्टॉल था उससे। सो यहाँ हम डिज़ाइंस देख रहे हैं ट्राउज़र के, डिफरेंट डिफरेंट ट्राउज़र के डिज़ाइन थे इनके पास, एम्ब्रॉयडरी वाले, लेस वर्क वाले, बीट्स वाले, पर्ल्स वाले, डिफरेंट डिफरेंट इनके पास शलवारें, ट्राउज़र, पटियाला शलवार और ट्यूलिप शलवार, हर तरह की शलवार मौजूद थी। और ट्राउज़र्स भी थे, जो आपको पसंद आए अपनी कुर्ती के साथ आप मैच करें और आपका फुल सूट रेडी हो जाता है इसी तरीके से। तो हमने यहाँ से मम्मा के लिए एक ब्लैक रंग की पेंट ली ट्राउज़र, सो जिस पे पर्ल्स लगे हुए हैं आप आगे देखिएगा वीडियो में, वो हमने ट्राउज़र लिया और वो ब्लैक शर्ट ली। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फुल ड्रेस दिखाऊं, सो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी। सो उसके बाद हमने कवर किया ये ज्वेलरी का स्टोर। इसके पास बहुत ही प्यारे प्यारे झुमके थे, अगवानी ज्वेलरी थी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थी और बहुत बहुत डिफरेंट स्टाइल की चूड़ियाँ, कड़े वगैरह थे। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पर हम जा रहे हैं, जिसकी तरफ ये है शूज़ का स्टॉल। इस पर हर तरह की आपको सैंडल, स्लाइड ऑन्स, हर तरह के शूज़ मिल जाएंगे। और इसके बाद ये नेक्स्ट था ये पर्स, हैंडबैग्स लगे हुए थे इसके पास बहुत ही प्यारे प्यारे। ये 2200 का था ये पिंक वाला, और जो ग्रे अभी इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी प्राइस थी 1800। मुझे पक्का याद नहीं है कि इसकी प्राइस क्या थी, बट इतनी ही थी। सो बैग्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे। उसके बाद अब हम आगे जा रहे हैं, हमने शॉपिंग कर ली है, अब हम कुछ खाए पियेंगे। अब हम आगे से बर्गर लेंगे। अब यहाँ हम बर्गर का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमारे बर्गर आएँ और हम लोग खाएँ और फिर घर जाएँ। यहीं तक था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।